एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, जवान सड़क पर है। इस समय जवान की हौसला अफजाई में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है। आज हमने तय किया है जो टीआई है उन्हें एसडीओपी बनवाएंगे, 160 प्रमोशन होंगे। आज कोरोना की रिपोर्ट में 12,000 नए केस और 13,000 ठीक हुए हैं। प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में सुधार के मामले में 7वें नंबर पे है। रिकवरी रेट 85% हो गई है। 85,000 केस है एक्टिव। प्रदेश में 50,000 प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं, कल 64,000 किए थे, रिकॉर्ड बनाया गया है। होम आइसोलेशन वाले 99% लोगों को मेडिकल किट दे रहे हैं। आज प्रदेश में 541 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। 82 लाख लोगों को टीका लग चुका है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का सर्वे करवा चुके हैं। कमलनाथ के वैक्सीन वाले बयान पर कहा, हमें कोसने वालों, राजनीति करने वालों, आप बता दो कहां से लाएंगे, कुछ भी कर लो कांग्रेस आलोचना ही करेगी। पहले भी भ्रम फैला रहे थे, पीड़ित लोगों की सेवा करने वाला एक भी काम नहीं किया कांग्रेसियों ने। सरकारी अस्पतालों में सब कुछ निशुल्क है, निजी अस्पतालों में जहां लूट हो रही है वहां जांच होगी। क्रूरता की हदें पार हो रही है पश्चिम बंगाल में, दुकानें लूट रही हैं, हत्या हो रही है। पार्टी डिसाइड करेगी ममता के खिलाफ प्रदर्शन करने पर। पहले मैं अपनी बात बोल दूं या आपके सवाल बताओ, पहले आप कर लो चाहे। मध्य प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री जी के आदेश से, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार और जवान सड़क पर है इस वक्त, और जवान की हौसला अफजाई में सरकार की ओर से भी कोई कमी नहीं आ रही है। हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बनाया, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, और आज हमने तय किया है कि जो टीआई है उनको एसडीओपी हम इस हफ्ते में सभी को बना देंगे, जो टीआई उसकी प्राप्तता में आ रहे हैं। और लगभग 160 के लगभग इससे लाभान्वित होंगे। कोरोना के